आईटी, ये सब बाद में रूलते हैं मार्केट में। सो व्हाट आई डिड, आई वेंट इनटू प्री मेडिकल और अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर किए इन माय एफएससी एंड आफ्टर दैट एलएमडीसी में आई गॉट माय एडमिशन इन एमबीबीएस एज वेल, बट द थिंग वाज मुझसे फ्रो की डिसेक्शन ही होती थी और like the medical was not my field. So what my dad told me that अगर तुमने जिंदगी में कुछ और करना है apart from medical, I am not going to finance you. So that was pretty rude and harsh, जिसका मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला and which actually led me to be an independent man today. What I did after that, I took admission in BP honors, क्योंकि जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता उसको बीबी आवर्स पर एडमिशन मिल जाता है। So that was the easiest thing I felt कि मैं कर सकता हूँ, because I also needed some time अपने लिए और जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए। So I started my BB honors और उसके लिए फी की जरूरत थी, because I definitely had to sponsor my studies. I was not that bad student. मैंने अच्छा CGPA भी स्कोर किया और नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाता है कि अच्छा CGPA स्कोर करो, अच्छा पढ़ो, रटे मारो, थ्योरी में जाओ, अच्छी जॉब मिलेगी। What I feel is आज से 1400 साल पहले, ये आप सब लोग गौर से सुनिएगा, 1400 साल पहले गुलाम होते थे और उनको जो उनके मालकान होते थे उनको इस्तेमाल करते थे, उनके पास कोई हकूक नहीं होते थे। I still feel के आपको जो यूनिवर्सिटीज नॉर्मली पढ़ाती हैं या कॉलेजेस जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो दे आर एक्चुअली मेकिंग यू रियलाइज, आपको पता भी नहीं चलता बट बैक एंड पे यही चल रहा होता है कि आपने बाहर जाके गुलामी करनी है। यू हैव टू वर्क फॉर 9 to 5, यू हैव टू वर्क फॉर सम बॉस, यू हैव टू वर्क फॉर सम अदर कंपनी। That was the whole thing which I had in my mind that I can't really do a job. ये वो चीजें होती हैं जो आपके अंदर से आपको फीलिंग एक आती है कि यार you can't really do a job, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, आइडियाज, ये सारी चीजें बाद में आपके अंदर आती हैं। The first thing is कि आप करना क्या चाहते हो, whether you want a self independent life or whether you work for some person, some company, just like everybody does. So that was the point which actually clicked me, and I started my online career. और FSC में अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है, अकेडमी में जाते हुए, यूनिवर्सिटी में जाते हुए। So I fell in love as well, and the girl with whom I fell in love, she wanted to become a doctor. So I think that was the turning point for me as well. Rather than कि मैं breakup के बाद मजनू बन जाऊँ और पढ़ाई छोड़ दूँ और दीवारों में टकरे मारूँ, सिगरेट पीना शुरू कर दूँ, तो I said कि why should I take a fresh start? तो उसके बाद I started my own blog. मैं इतना अच्छा writer नहीं था, but I definitely needed something to write on a blog. So I started with poetry, love poetry and relationships and stuff like that. और आपसे पहले फेसबुक से पहले सोशल मीडिया होता था ऑर्किड, तो ऑर्किड पे आई वाज प्रेटी फेमस। जिस तरह यहाँ पे पेजेस होते हैं वहाँ पे कम्युनिटीज होती थी, तो व्हाट आई डिड के मैंने वहाँ पे हजारों कम्युनिटीज बनाई विद मिलियंस ऑफ मेंबर्स और वहाँ पे ओनर का नाम लिखा आया करता था कि हु इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो आई वाज प्रेटी फेमस दैट टाइम और मैं लव गुरु के नाम से लोग मुझे जानते थे, आलियान एक पाकिस्तान से लव गुरु है। लोग मेरे पास लाइक अपने प्रॉब्लम्स लेके आते थे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं कह रहा था छोड़ दो बस, तो जब मैं अपनी वेबसाइट चला रहा था तो डेफिनेटली एवरीबडी नीड्स मनी, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग आई कुड डू एट दैट टाइम वाज के मैं गूगल एडसेंस आई यूज्ड। आपको गूगल एडसेंस का पता होगा सबको। सो इन बैक इन 2012 गूगल ने पूरे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया, मेरे सारी वेबसाइट की ब्लैक लिस्ट होगी। जो मेरा एक रोजी ब्रेड एंड बटर का जो एक मीम था दैट एक्चुअली वेंट ऑफ कंप्लीटली वेंट ऑफ लाइन। व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय वेबसाइट्स तो आई यूज्ड टू हायर पीपल कि यार ये डिजाइन कलर चेंज कर दो, ये लोगो चेंज कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो. सो आई थॉट मेरे पास इतना टाइम होता है, बट शुडंट स्टार्ट डूइंग दैट माई सेल्फ. सो आई स्टार्टेड लर्निंग वर्डप्रेस बिकॉज वर्डप्रेस इज अ वेरी फेमस CMS एंड almost 25% websites in the whole world, they are using WordPress, and others they are moving shifting quickly to the WordPress. I started learning WordPress. In 2011, I was a part of an IT group, जिसमें Pakistan Indians, Bengali और काफी USA के IT gurus होते थे. तो we used to share ideas. वहाँ पे किसी ने Fiverr का बताया कि Fiverr is a platform जो कि भी recently introduced हुआ है. I went over there, I signed up. Like after 10 days, it was created. लेकिन मैंने सोचा यार $5 में वो भी 4 आपको मिलेंगे, $1 कमीशन में जाएगा, $400 में आप क्या कर सकते हो? This is a very bullshit idea. ये नहीं चलने वाला. Neither I can. मेरे सपने बड़े थे, मेरी सोच बड़ी थी. मैं $5-4 में काम करने वाला बंदा नहीं हूँ. Move on. So I actually left that thing. Sign up करके I never came back over there again. Back in 2013, I think that was mid or last of 2013, when I came back again to Fiverr. और मैंने वहाँ पे देखा कि people they are actually making millions. मैंने थोड़ी रिसर्च की, वहाँ पे टॉप गिग्स देखे, सर्विसेज देखी, पाकिस्तानी लोगों की सर्विसेज देखी. वहाँ पे एक पाकिस्तानी ढोल वाला होता था, ढोल बजा के ही यूज टू मार्केट. फिर उसने एक ऑटो रिक्शा भी ले लिया, फिर उसने एक नाचने वाला घोड़ा भी ले लिया. सो पीपल दे वर एक्चुअली डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क ओवर देयर. उसमें मुझे क्या आता था, मुझे YouTube SEO आती थी, मार्केटिंग आती थी. सो द फर्स्ट गिग आई मेड, इट वाज अबाउट YouTube रैंकिंग and YouTube traffic. I mean YouTube promotions. On the very first day, I had my first order. ये respected Sayed साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, and he was actually my inspiration at that time. He used to be a WordPress developer. और मैं इनके gig को बहुत follow करता था. यार ये पाकिस्तान से भी एक बंदा है जो कि बड़ा अच्छा उसके orders आते हैं और उसकी अच्छी खासी profile maintained है. So I used to follow him. और इनको देखते देखते I had a little interest कि why shouldn't I start learn coding? So I went into learning WordPress myself without any tuitions, without any mentor, and without any person around me. I learned everything online through YouTube, through Google, and through experience. पहले लोगों की बड़ी वेबसाइट्स पर बात की, उसके बाद उनको ठीक भी किया. But I think that was a good start, and that was the turning point for me. You know what? Our freelancers, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि freelancers is actually freelancing is a very short time thing, जिसमें 2-4 साल आप you can make enough money, और उसके बाद like normal businesses you will be having a decline. So this is not the point. अगर आपका VN और अगर आपका VN strong है, and if you have an eye to look like 10 years in the past, 10 years ahead in the future, so trust me, you can have so many other opportunities. You will find so many other opportunities. और freelancer से entrepreneur बनने में there is a little difference in between both of them. Right now, I am a less freelancer, but I am actually an entrepreneur now. Running so many side businesses and doing so much other stuff as well. So freelancing, it is a good start for you to understand the potential you have. कि आप में कितना potential है, आप कितना grow कर सकते हो. And I will come to Fiverr क्योंकि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि आगे हमें आके कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता है, इसके पास कौन सा एक वो जादू का चिराग है जो कि ये बिल्कुल हाथ मारता है और इसके पास इतने क्लाइंट्स और सारा कुछ आ जाता है. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव जस्ट क्रॉस्ड 35,000 ऑर्डर्स लाइक कपल ऑफ डेज बैक विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 3 years. और आपकी तरह मैं भी सोचा करता था कि $5 इज व्हाट अ फाइवर इज ऑल अबाउट, बट माय एवरेज सेलिंग प्राइस इज $122.7. दिस इज माय एवरेज सेलिंग प्राइस ऑन फाइवर. सो द वन थिंग इज क्लियर दैट इट इज नॉट ऑल अबाउट $5. यू कैन मेक millions ऑफ डॉलर्स. दैट्स व्हाट यू कैन मेक इफ आफ्टर इफ यू हैव टू. आप में से यहाँ पे कितने ग्राफिक डिजाइनर्स हैं? logo designers, content writers, developers, सारे developers हो okay. अच्छा मैं graphic designers की बात करता हूँ. Normally there are few stats which you must have to observe and which you must have to keep in your mind. Fiverr पे more than 85% clients they come from USA. All the major clients it's a USA market, buyer based market, जो USA से सबसे ज़्यादा आते हैं और उसमें से almost 5 to 10% probably वो होते हैं जो individuals होते हैं. Like जब मैं blogging करता था तो I used to hire people, so I was the the one facing the any vendor or developer. 75 to 80% जो आपको buyers Fiverr पर मिलते हैं, they are running small agencies and firms. They are not actually individuals. वो पीछे से project लेते हैं और आपको outsource करते हैं. So this is a very important point you have to keep in your mind. Mostly जब आप Fiverr पे आपको कोई order आता है, आपकी कोशिश क्या होती है कि इसको हम जल्दी से जल्दी deliver करें. किसी ना किसी तरह इसको कहें भाई हमारी जान छोड़ो, फीडबैक देके जाओ एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट पर्सन. दिस इज द मिस्टेक यू गाइस एक्चुअली डू. एक बायर में और एक क्लाइंट में और एक फ्रेंड में बहुत फर्क होता है. और इफ देयर इज अ सेइंग के इन बिजनेसेस दे आर नो फ्रेंड्स, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन ऑनलाइन वर्ल्ड व्हेन यू आर स्पेशली मेकिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस वर्चुअली आपके क्लाइंट्स आपके दोस्त बन जाते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. मैंने पहले बायर को क्लाइंट में कन्वर्ट किया, उसको एक ऐसी सर्विसेज ओवर डिलीवरी इज द की कि आप जो भी डिलीवर करो यू हैव टू मेक इट ओवर. उसको रियलाइज हो कि अगर उसने आपको $5 दिए हैं तो ही इज गेटिंग अ वैल्यू ऑफ एट लीस्ट $10. If he has given you like $50, you are at least making an addition of $10 to $20 extra. I will give you few things from starting from the basics. I will ask a question. आप में से जब आप लोग गिग बनाते हैं तो normally how much time do you people take? Anybody? 6 hours. Anybody else? 3 to 4 hours. आप में से कौन ऐसा बंदा है जो कम से कम 2 से 3 दिन लेता है गिग बनाने में? अच्छा 2 वीक्स. वो इंटरनेट नहीं होता है वहाँ वैसे ही कहते हो यार 2 वीक्स का. ओके आई थिंक 2 वीक्स इज अ लिटिल मोर टाइम बट एट लीस्ट 5 to 7 days इज अ आई मस्ट से कि ये यू मस्ट गिव एट लीस्ट दैट मच टाइम व्हाइल यू क्रिएट अ गिग. और व्हाइल यू क्रिएट अ गिग इट्स नॉट जस्ट दैट जो मैं ऑफर कर रहा हूँ आप मेरा टाइटल थोड़ा सा चेंज करो, डिस्क्रिप्शन चेंज करो, पिक्चर वैसी उठा के पोस्ट कर दो. बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल द सर्विसेज, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड इन वर्डप्रेस. अगर मैं वो ऑफर अपने गिग में नहीं भी कर रहा तो फिर भी ट्रस्ट मी ऑन डेली बेसिस ड्यू टू माई रैंकिंग एंड रेटिंग्स. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, दिस इज अबाउट ऑल द टॉप रेटेड सेलर्स ऑफरिंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज. कि उनकी गिग्स वैसे ही सर्च में आ रहे होते हैं. लाइक अगर स्पीड का आप सर्च करोगे तो मेरा गिग वहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा. वर्डप्रेस फिक्स कस्टमाइजेशन खाली वर्डप्रेस लिखोगे, वर्डप्रेस थीम लिखोगे, माय गिग विल बी देयर. सो यू कांट रियली कम्पीट इफ यू आर गोइंग टू कॉपी माय गिग. आपने सबसे पहले मार्केट को रीड करना है कि फाइबर पर लोग क्या ऑफर कर रहे हैं और एवरेज ऑर्डर उनको कितने आते हैं. Then you have to go and create your own gig. There is a difference between a gig and an interactive gig. An interactive gig is what? अगर आपके पास कोई buyer आता है तो gig की quality, especially the grammar and the description of your gig, the picture or your portfolio or the video. आप में से कितने लोग videos use करते हैं? ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो नहीं वीडियोस यूज करते. ट्रस्ट मी आफ्टर एडिंग अ गुड वीडियो ओवर देयर 30 to 35 seconds योर सेल्स विल बी बूस्टेड बाय एटलीस्ट 100 to 150%. और इसकी वजह क्या होती है जब आप वीडियो में बता रहे होते हैं कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली ऑफरिंग, तो एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है बिटवीन यू एंड द बायर. इट्स लाइक यू आर टॉकिंग फेस टू फेस टू दैट पर्टिकुलर सेलर. तो गिग्स के साथ अगर आप वीडियोस यूज करें, इवन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, एंड कुछ लड़के भी होते हैं जिनको दे फील के यार उनसे वीडियो अच्छी नहीं बन रही या इट्स नॉट अप टू द मार्क, तो यू कैन जस्ट इन्वेस्ट लाइक $5 to $10 एंड यू कैन इजीली गेट अ वीडियो फ्रॉम फाइवर. देयर आर सो मेनी पीपल ऑफरिंग वीडियोस ओवर देयर. और लड़कों को पता है कि उन्होंने किस तरह की वीडियोस लगानी. नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन कि वो सबसे अच्छी लड़की वहां पे देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप, और वो जो उन्हें पता होता है कि व्हाट दीस पीपल आर गोइंग टू डू, और वो मना भी कर देती हैं. सो बिफोर यू गो एंड आस्क अबाउट एनी वीडियो, यू हैव टू टेक द परमिशन एज वेल कि हम ये वीडियो अपने गिग पे लगाने जा रहे हैं. द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल क्रिएटिंग अ गिग इज यू हैव टू टेक इन कंसीडर द कीवर्ड्स व्हिच बायर्स आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर. अगर आप फाइबर पे जाके वर्डप्रेस लिखें तो ड्रॉप डाउन में 3-4 सजेशंस आती हैं, ऑटोमेटिक सजेशंस. दे आर बेस्ड ऑन द रिसेंट सर्चेस और जो मैसेज में लोग वहां पे सर्च करते हैं कीवर्ड्स को. सो यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ दीज कीवर्ड्स, और वो भी आपने कीवर्ड्स अपनी डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं. और यू हैव टू एड द विंडो टैग्स. जब भी आप कोई भी गिग बनाते हैं द फर्स्ट टाइम, और इवन इफ यू मॉडिफाई द गिग, विदिन 24 आवर्स वो एडिटोरियल टीम की नजर से गुजरता है. और अगर उसकी इतनी वर्थ होती है कि वो बहुत ही एक एंगेजिंग, बहुत ही एक अट्रैक्टिव और बहुत ही क्रिएटिव चीज हो, तो दे विल एक्चुअली पुट योर गिग स्ट्रेट वे इनटू द रेकमेंडेड सेक्शन. जब आपका गिग रेकमेंडेड सेक्शन में जाता है, दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग मोर एक्सपोजर. सो ऑल दिस पीपल जो ये सोचते हैं कि यार गिग बना लिया, 20 बना लिए, एक भी सेल नहीं आई, आप 20 की बजाय एक ही बना लो और उसको अच्छा बना लो, तो यू विल बी हैविंग अ हाई चांस बिकॉज द कंपटीशन बहुत ज्यादा है. सो यू रियली हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स व्हाइल ऑफरिंग एनी सर्विसेज और गिविंग एनी डिटेल्स इन योर गिग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से कितने लोग एक से ज्यादा प्रोफाइल चला रहे हैं? बी ऑनेस्ट, मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करूंगा. बी ऑनेस्ट, सिर्फ 2 लोग, मैं नहीं मानता. कम से कम यहाँ पे हाफ ऑडियंस मल्टीपल प्रोफाइल चला रही है. okay. मुझे अच्छा, ये यहाँ से किसने हाथ खड़ा किया? आपने, आप क्यों दो प्रोफाइल चला रहे हो? एनी रीजन? समटाइम्स ब्लॉक कर देते हैं. यार जब 2 बनाओगे तब तो लाजमी ब्लॉक हो गए. ओके, माशाल्लाह, क्लैपिंग करें जी इनके लिए. लेकिन आपने इनको फॉलो नहीं करना कि अगर इसने मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के 50,000 बनाया तो वी विल ऑल्सो डू दैट ऑन अ वेरी सीरियस नोट. अगर आप, फाइवर इज अ होल सिस्टम, एक मिलियन अब तो $1 billion कंपनी बन चुकी है वो. अगर आपको ये लगता है कि आप किसी भी लूप होल को यूज करते हुए उनके सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी, वन डे दे विल कैच यू. मैं मल्टीपल प्रोफाइल्स क्यों नहीं चलाता? नाउ आई एम स्पीकिंग एट अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सो प्रोबेबली आई वोंट एक्चुअली रिवील माय अर्निंग्स. एनी आइडिया हाउ मच मनी आई मेक पर मंथ? 10 लाख. एनी अदर आइडिया? अबाउट 50 लाख. 5 million. The thing is, it's very easy to answer if you multiply 35,000 by 122. But the point is, if you want to go into a long run, अगर आप चाहते हो कि मेरा जीना मरना ही फाइबर के संग है, तो trust me, you have to be patient. कम से कम आप सब लोगों को क्या नजर आ रहा है कि आलियान यहाँ पे स्पीच देने आया है. He is a super seller, he is a top rated seller, और वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है. You are actually wrong. आप सबके लिए जो इंस्पिरेशन है, आप सब अपने आप के लिए इंस्पिरेशन हो. आप क्या बनना चाहते हो? शीशे के सामने एक दिन खड़े हो जाओ, सिर्फ 10 मिनट अपने आप से बात करो कि आज मेरे पास क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, और ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. आपका जो आज के हालात हैं और कल जो आप बनना चाहते हो, दिस विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर यू एंड दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डिड फॉर माय सेल्फ। अभी तो आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक यू हैव फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस, कोवर्किंग स्पेसेस, अच्छे लैपटॉप्स और रिसोर्सेज और बहुत सारे मेंटर्स, स्पीकर्स। हमारे जमाने में डायलॉग